सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाम।
मेरी।
ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ में ज्ञान खंड सतगुरु लिखते हैं, गुरु ने कहा और सुनो, जिससे मनुष्य सपने देखता है और सपने की कुछ बातें उसे याद रहती हैं, कुछ भूल भी जाती हैं, जिसे तुम जागते हुए देखते हो, दोनों को तुम अच्छी प्रकार देख पाते हो। रात के सपनों को तथा दिन में जागते हुए पर किसके द्वारा देखते हो और देखने का द्वार कौन सा है? यही तुम्हारी आंखें देखने का द्वार हैं, पर आंखों के अंदर बैठा जिससे देखने की शक्ति मिल रही है, वही उस ईश्वर की दी हुई आत्मा है। इसलिए तो योगी धीर पुरुष इसे जानने में समर्थ हो जाते हैं, और जो जानने में समर्थ हो गया वे फिर इस शरीर के जाने पर शोक आदि नहीं करता, दुख उसे नहीं सताता। आत्मा को जानकर संत जन इस संसार रूपी जगत में विचरते हुए शोक मोह ममता से पार हो जाते हैं। उन्हें संसारी पदार्थों के चले जाने पर पीड़ा मोह घेर नहीं पाती, न ही सताती है। यही आत्मज्ञान है जो तुम मुझसे पूछ रहे थे। इसे तुम अनुभव करो और अपने जीवन को जानो। इस जीवन को जानने का बहुत ही सरल साधन है, तुम ध्यान की सीढ़ी पर अग्रसर हो जाओ। हाँ, मगर हे साधक, जो इस अमृत रस का भोगी आत्मज्ञान को भक्ति भाव से अच्छी तरह जान लेता है तथा आत्मा के समीप चला जाता है, उस ज्ञानी मनुष्य को आत्म तत्व की प्रतीति होने लगे तो ऐसा समझो कि उसे ब्राह्मी अवस्था में एक तत्व को, उस परम अखंड परमात्मा को साधक अनुभव करने वाला हो जाता है। जो उस परमेश्वर को अनुभव करने वाला हो जाए तो उस भक्त में या उस साधक में भला फिर मोह ममता कहाँ रह जाएगी और कौन सा शोक या राग द्वेष करेगा? माना कि जो चीज इंसान को प्यारी होती है उसमें उसका मोह ममता पड़ी ही रहती है। उस वस्तु के टूटने या चले जाने पर शोक होता ही है, वियोग होने पर दुख होता है, मगर आत्मज्ञानियों को सब में तथा सब शरीरों में आत्मा का ही अनुभव दिखने लगता है। उस समय उन्हें अपने और बेगाने का मोह नहीं बांधता है तथा सगे संबंधियों के जाने का दुख भी नहीं सताता। आत्मज्ञानी इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर इस शोक सागर को, दुखमय संसार को पार कर जाता है। वे सब प्राणियों में एक ही आत्मा की अनेक शक्तियों का अनुभव करता है। एक ही उस विश्व आत्मा की शक्ति सब जीवों में मानता है और सब को प्रेम करता हुआ राग द्वेष दुख सुख से पार रहता है। इसलिए सारे विश्व का विश्व आत्मा, सारे जीवों का मूल आधार परमात्मा, परम सत्य उपासकों को जीवन दान देने वाला परमेश्वर, सब ओर से सारे संसार को चलाने वाला, सर्वत्र रहने और सब ओर से सब प्राणियों को देखने वाला,
सब में विराजमान रहता हुआ भी निराकार बना हुआ आंखों से नहीं देखा जा सकता, मगर वह दीप्तमान है, कार्य रहित है, उसको जीव अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकता। अर्थात परम सूक्ष्म ईश्वर सत्ता परम शुद्ध पाप रहित है, पाप उसे किसी और से बांध नहीं सकता। वह परम सत्ता हर समय निर्दोष निर्विकार है, हमेशा निर्दोष ही रहा है। ईश्वर सूक्ष्म कारण स्थूल इन तीनों शरीरों से रहित है, वे सदा मन की जानने वाला हर तरफ दिखने वाला स्वतंत्र सत्ता है। वे सदा रहने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस जगत को रचा है। उस परम पुरुष ने सदा होने वाली वर्षा के लिए ठीक तरह से वायु देवता को बनाया, अनेकों पदार्थों को रचा। प्रभु ने जैसा चाहा वैसे इन पदार्थों को संसार में बनाया और उन्हें अपने ही नियमों विधानों अपनी ही धाराओं में ढाला, अपने ही विधि विधानों में उन्हें चलने की अनुमति दी, देश काल को अपने ही नियम में रखा। इसलिए हे मानव, तू उस परमेश्वर को ऐसा मानकर उसकी साधना भक्ति में लीन रह, जो सब में रहता हुआ भी नजर नहीं आता, सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता बना रहता है। जय श्री राम।
यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। ये प्रेम का मार्ग ऐसा अनूठा मार्ग है जो संसार से, इस दुनियावी बंधनों से कहीं परे है। लेन देन का मूल भाव कोई नहीं है, केवल देना ही देना, जिससे प्रेम हो जाता है तो तुम उसे केवल देना ही चाहते हो। यहां बिकता कुछ भी नहीं, न कुछ बिकता है और न ही कुछ खरीदने की चाह रह जाती है, क्योंकि बस केवल अर्पण ही अर्पण। जिससे प्रेम हो गया तुम्हें तो तुम केवल अर्पण ही करना चाहते हो। ऐसा अनोखा बंधन है ये प्रेम का, जिनको हो गया केवल वही जान पाते हैं। कहते हैं ना, जिस तन लागे वो ही जाने। जो मीरा को हो गया, जो कबीर को हो गया, जो सूर को हो गया, तो वही जाने। ये संसार तो केवल उनकी कहानियां पढ़ता है, सुनता है, लेकिन इतना तो देखता है ये संसार, जो केवल उनकी प्रेम की कहानियां सुनने में, पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो जिसे उस परमात्मा से प्रेम हो गया, उसे कितना आनंद मिलता होगा। शांति है चेहरे पर, आनंद खिले मन में, फिर उनके अंदर का आनंद, उनके चेहरे पर शांति बनकर खिलने लगता है। ये संसार जान लेता है कि इसे उस परम से प्रेम हो गया, क्योंकि चेहरे से झलकने लगता है, एक नूर नजर आता, एक प्यार उमड़ता है चेहरे पर, उस परम का नूर छा जाता है और फिर अंदर का प्रेम बाहर उमड़ता रहता है। इस संसार को बांटते चले जाते हैं। कहते हैं ना, मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। जिसको उस परम का प्रेम मिलने लग जाता है, वो तो सदा लगाता घूमता है। हे दुनिया वालों, तुम भी ले लो, जो मुझे मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए। तुम भी ले लो मेरी उस
परम माँ का प्रेम, ऐसी सदा ऐसी हाक लगाता घूमता फिरता है भक्त। कहने को तो कुछ कहने है मन की पवित्रता, जो प्रेम के पाश में बंध जाती हैं, जब भावों में मिलता वह सब अपना ही लगता है। ये ऐसा अनूठा मिलन जो केवल भावों में ही हो पाता है। एक मिलन अनोखा है जो नजर नहीं आता, ये संसार तो केवल ऐसे अनोखे मिलन को कभी कभी कैसे अनुभव कर पाएगा। जिसे प्रेम हो गया जो उसके खून में रम गया, जब उससे मिलन होगा तो ये संसार कैसे जान पाएगा, कैसे अनुभव कर पाएगा। जिसे तुम अपने मन से अपनी आत्मा से प्रेम करने लग जाते हो, फिर केवल दो ही, एक जिसे प्रेम हो जाता है और दूसरा जिससे प्रेम हो जाता है, दो ही अनुभव कर पाते हैं। कैसे कैसे दृश्य होते हैं ऐसे प्रेमी और प्रेम के पात्र का जब मिलाप होता है। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर के राजमहल में आए हैं, दुर्योधन को समझाने के लिए, एक आखिरी प्रयत्न करने के लिए कि शायद ये युद्ध टल जाए। लेकिन दुर्योधन किसी तरह नहीं मानता। जब राज दरबार से प्रभु कृष्ण जा रहे हैं, तो दुर्योधन कहने लगा कि आज रात आप मेरे अतिथि बने, मेरे राजमहल में मेरा सत्कार ग्रहण करें, मेरे महल में आप भोजन करें। तो प्रभु कृष्ण ने उसके राजमहलों के पकवानों को त्याग कर कहा, मैं विदुर जी के घर जाऊंगा। तो विदुर जी के साथ उनके भवन में चले गए। महात्मा विदुर और उनकी पत्नी
जिन्हें महापुरुष मानते हैं, जिन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं। ऐसा सौभाग्य हमारा कि वो महापुरुष हमारे अतिथि बने हैं। अपने भावों को कैसे व्यक्त करें? प्रेम के भाव अंदर से छलक रहे हैं। विदुर जी की पत्नी प्रभु कृष्ण को फल अर्पण कर रहे हैं। इतने भाव विभोर हो गए, ये भी भान ना रहा कि केले छील के उसका छिलका प्रभु को अर्पण करते जा रहे हैं और फल एक तरफ फेंकते जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी इतना प्रेम में डूब गए और प्रभु भी उनके प्रेम के पाश में बंधे हुए वो छिलके ही खाते चले जा रहे हैं। ऐसा है ये अनोखा मिलन, यही है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है, एक प्रेम ही होता है।